कुछ दिनों पहले सोनी पे बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा था, शार्क टैंक। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो शार्क्स उन्होंने चूज किए वो भी फैबुलस है। किसी ने अपना बिजनेस नहीं छोड़ा, वो खुद का एक ही बिजनेस लेके आगे अभी तक बढ़ रहे हैं। उसके बाद वो इन्वेस्टर बने हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे कंपनीज में। तो उसी दौरान एक इन्वेंटर आया था जिसने बहुत सारे इन्वेंशंस अलग अलग डोमेन में किए थे। पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, फिर भी उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए जो अलग 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 डोमेन में हैं। मेरे इस जुगाड़ू इन्वेंशंस में कहूँगा उनको। ऐसे ही क्लिप थी। फोन होल्डर्स या डेस्क हुक्स हैं, दो तरह के तो उसके मिलेंगे, साथ एक क्या स्क्रू वाले हुआ? जो हैं, दो तरह के मिलेंगे, एक स्क्रू वाले जो स्क्रू ऑन होते हैं और एक एडिसिव टेप वाले। नहीं, ऐसे वाला है मेरे पास घर पे। मुझे आप एक चीज बताइए, से आप इतने सारे प्रोडक्ट्स क्यों बना रहे हैं, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते जिसमें, मतलब नहीं तो आप अपने करियर के साथ क्या कर रहे हैं अभी? मजाक। हम प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स एज सच ग्लोबल लेवल पे नहीं बनना चाहते हैं। हम अपने इन्वेंशंस को लाइसेंस करना चाहते हैं, हम एसेंशियली आईपी क्रिएट करते हैं। अमन ने बहुत सही तरीके से बोला, अपने करियर के साथ ये मजाक है। बहुत दिनों से हम भी ये चीज हमारे इन्वेंटर्स को बोलने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में जो भी आए, जो भी प्रॉब्लम दिखे, आपके हिसाब से मत चूज करो, एक स्ट्रैटेजी बना के उसको चूज करो ताकि उसका कोई लाइसेंस बने, कोई खरीदार बने। बहुत सारे इन्वेंटर्स को खुद की कंपनी तो बनानी है ही नहीं, सबको लाइसेंस आउट करना है, पेटेंट, और बहुत बड़ा बनना है। तो ऐसे नहीं होता। तो ये और एक वैलिडेशन है जो हम पहले से बोल रहे थे कि एक इन्वेंशन या बहुत सारे इन्वेंशंस डिफरेंट कैटेगरी में करोगे तो आप खुद ही के साथ मजाक करोगे। ऐसा मत करो, टेक इट सीरियसली, पैसा वेस्ट मत करो, ठीक है? थैंक यू।